पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ातरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है, लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ातरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319699927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बालाघाट पहुंची कोरोना वैक्सीन, 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन का पहला चरण। वारासिवनी के बैगा मोहल्ला में कलेक्टर और एसपी की उपस्थिति में हुई अवैध शराब पर बड़ी कार्रवाई। बैहर चौकी क्षेत्र में फूटी नगरपालिका की पाइपलाइन, 20 फीट तक उठी पानी की फुहार। लालबर्रा के खैरगोंदी के जंगल में बाघ के हमले से एक व्यक्ति घायल, वन विभाग की हिदायत, जंगल ना जाएं लोग। और अब खबरें विस्तार से। बीते 10 माह के दौरान देशवासियों के साथ ही जिले वासियों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि आखिरकार वह घड़ी आ गई जब कोरोना वैक्सीन देश के अन्य राज्य और शहरों के साथ ही बालाघाट जिले में पहुंच गई। तय कार्यक्रम के अनुसार कोरोना वैक्सीन की पहली खेप 14 जनवरी की सुबह करीब 4 बजे जिला अस्पताल पहुंची, जहां बेहद ही सुरक्षा में उसे स्टोरेज किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने वैक्सीनेशन के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में जिला अस्पताल बालाघाट और शासकीय अस्पताल लांजी में कार्यरत कर्मचारियों को कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। जो हमारा अभियान है ये 2 स्थानों पर चालू कर रहे हैं। सिविल डिस्पेंसरी हमारी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लांजी और बालाघाट जिला अस्पताल, इस वाहन के माध्यम से लांजी हमारा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके लिए 440 जो हमारे डोज हैं भेजे जा रहे हैं, जिसमें 400 लोगों को 4 दिन में लगना है, 100-100 प्रतिदिन 2-2 वैक्सीनेटर लोग वैक्सीन करेंगे और 1 मेडिकल अधिकारी वहाँ पर उपस्थित रहेगा। इस तरफ 16 तारीख के प्रातः 9 बजे से वैक्सीनेशन का युद्ध स्तर पर कार्यक्रम चालू होगा। हमारे बालाघाट जिले में पूरी तैयारी हो चुकी है। वैक्सीनेशन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को क्या विशेष ध्यान रखना है, इस बात की जानकारी भी विधायक गौरीशंकर बिसेन ने विस्तार से बताई। भाव, यदि मौका मिलता है तो आप भी वैक्सीन लगाएंगे? मैंने कल डॉक्टर साहब से कहा था, हमारे जिला स्वास्थ्य अधिकारी से भी कहा था, लेकिन जो नीति बनी है उसमें पहले चरण में, और श्रीमती रेखा बिसेन ने भी आग्रह किया था कि मैं लगाना चाहती हूँ, लेकिन जो हमारी नीति बनी उसमें पहले फेज में हेल्थ वर्कर्स को लगाना है, द्वितीय फेज में हमारे जो फ्रंट लाइन के वर्कर्स को लगाना है, तृतीय फेज में हम लोग आएंगे जो 50 साल से अधिक है। नहीं तो लोग ये ना सोचे कि भाई कोरोना के भय से हमने पहले लगा लिया, अपने आप को सुरक्षित कर लिया, तो जनता पहले सुरक्षित हो जाए, उनके साथ ही हमारी उसी में हमारी सुरक्षा समाहित है, हम लोग सब वैक्सीन लगाएंगे। कुछ कर्मियों का ऐसा भ्रांति है कि वैक्सीन है विपरीत प्रभाव भी कर सकती है, इसको नहीं है भ्रांति का विषय नहीं, हमारे विशेषज्ञ लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने और जो कंपनी है जिसने ये वैक्सीन दिया है, इसमें मैं समझता हूँ कि सारा ये जो ऊना की सीरम इंस्टीट्यूट है, बड़ी प्रख्यात कंपनी है, और इसको जांच पड़ताल करके सारे टेस्ट करने के बाद में दिया है, कहीं कोई घबराने की डरने की आवश्यकता नहीं है। और लगभग रात में उनको वैक्सीन इशू हुई है और सवेरे 4 बजे के लगभग वैक्सीन। लगभग कितना डोज आया सर? हमको 9000 डोज अभी मिले। और अभी प्रथम चरण में कितना लगना है और कहाँ कहाँ लगेगा? अभी हम लांजी में और जिला अस्पताल बालाघाट में लगाएंगे, तो हमको 4-4 सेशन मिले हैं अभी, और प्रत्येक सेशन में हम 100 डोज लगाएंगे,
100 लोगों को लगाएंगे। इस तरीके से 400 डोज बालाघाट में और 400 डोज हम लांजी में लगाएंगे। केवल 4 दिन वैक्सीनेशन होगा, इतवार के दिन की छुट्टी रहेगी, मंगलवार को और शुक्रवार को टीकाकरण होता है तो उस दिन वैक्सीनेशन इसका नहीं होगा और बाकी 4 दिन होगा और प्रत्येक दिन में एक वैक्सीनेशन सेशन में 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी। ये किनको लगेगी पहले सर? और पहले हेल्थ केयर वर्कर जो हैं हमारे उनको लगेगी। कब से चालू हो जाएगी सर बालाघाट में लगना? 16 तारीख से चालू होगी, 4 दिनों में लगवाएंगे। सर वैक्सीन का क्या नाम है और किस कंपनी से है? कोविशील्ड वैक्सीन है ये, कोविशील्ड वैक्सीन है। 10 डोज का वायल है, 0.5 ml जो है ये वैक्सीन हाथ में डीप इंट्रामस्कुलर लगाई जाएगी। 13 जनवरी 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 5 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 8 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 13 जनवरी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह से बालाघाट जिले में अब तक कुल 3103 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2995 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 35 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 59 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 14 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 412 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 13 जनवरी को बालाघाट जिले के 5 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इन मरीजों में बालाघाट तहसील के ग्राम हरदौली का 24 वर्षीय युवक, लालबर्रा तहसील के ग्राम टेंगनी कला का 71 वर्षीय पुरुष व 60 वर्षीय महिला, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 3 का 61 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 9 का 70 वर्षीय पुरुष शामिल है। नगर पालिका परिषद द्वारा शहर की जनता को 2 वक्त पानी प्रदान करने के लिए बनाई गई नई पाइपलाइन शहर के बैहर चौकी क्षेत्र में 14 जनवरी की दोपहर को डैमेज होकर फूट गई, जिस कारण 20 फुट से अधिक ऊंचे पानी की फुहार उठी और हजारों लीटर पानी व्यर्थ रूप से बह गया। बैहर चौकी क्षेत्र के अंतर्गत लोगों ने बताया कि पाइपलाइन के इस पाइप से बीते कई दिनों से ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पानी बह रहा था, बावजूद इसके नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा मरम्मतकरण कार्य नहीं किया गया। नतीजा 14 जनवरी को पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पाइप फूट गया। नगर पर हम जब भी आते हैं यहाँ पर पानी चालू रहता है, उस समय लीकेज बना हुआ था, बहुत दिनों से लीकेज बना हुआ था, ऊपर से भी पानी आता है इसके और नीचे से भी लीकेज था, हल्का लीकेज वो जंग पकड़ के गया और जंग ने उसे खा गया और पाइप टूट गया। आज पाइप टूट गया, लगभग 20 मिनट से ज़्यादा हो गया, फव्वारा बना हुआ काफ़ी, 3 मंजिली तक का इसका फव्वारा था और बहुत प्रदर्शनी देखने लायक का था। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में काफ़ी अच्छा माहौल बना यहाँ पर, लेकिन नगर पालिका का कुछ ध्यान। ये धीरे धीरे करके गला है और जंग खाया, उसके बाद में धीरे से ब्रेक हुआ और जिसकी वजह से हमारा लगभग हज़ारों लीटर पानी यहाँ से बह चुका है। अच्छा, नगर पालिका की तरफ से कोई आया कर्मचारी अभी यहाँ पर? नहीं, अभी तक के कोई कर्मचारी तो आया नहीं है यहाँ पे, लेकिन पाइपलाइन जो है बंद कर दी गई, जिसकी वजह से पूरा जितना भी फ्लो था और पानी जितना बह रहा था वो सब बंद हो चुका है। पाइप फूटने और उससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ में बहने की जानकारी मिलते ही जल प्रदाय योजना में कार्यरत ठेकेदार और नगरपालिका के कुछ कर्मचारी बैहर चौकी पहुंचे और तत्काल पानी की सप्लाई को बंद करवाया गया। उनके द्वारा जानकारी दी गई कि यह एयर रिलीज वाल है जिसे किसी ने ठोकर मारकर तोड़ दिया है, जिस कारण ये फूट चुकी है। किसी ने धक्का मार के तोड़ा है इसको, या किसी ने रात को ठोकर मारी होगी इसको, और ठोकर मारने से डैमेज हो गया। डैमेज होने के कारण से वो जब पानी का प्रेशर पड़ा, जैसे कि वार्डवासी बता रहे हैं कि काफ़ी पुराना है पाइपलाइन है, ये नई लाइन है। अब वर्तमान में क्या स्थिति बनी है? इसको पूरा हाथों हाथ वेल्डिंग करवा के कम्प्लीट करवाएंगे। क्या नाम आपका? किसी ने इसको ठोकर मार दी होगी, इस कारण से क्या बोलते हैं पाइप डैमेज हो गया, और फिर उसके बाद जब हम लोगों ने उधर से पानी चालू करे तो प्रेशर के कारण पाइप गिर गया। अच्छा, ये जो पाइप लगाने का काम है ये कौन सी कंपनी की तरफ से हो रहा था? जैन एजुकेशन। अच्छा, पूरे शहर भर में यही पाइप लगाते हैं? हाँ। बता दें कि वर्तमान में नगर पालिका द्वारा नई पाइपलाइन की टेस्टिंग के लिए रोजाना पाइप के माध्यम से पानी सप्लाई की जाती है, लेकिन ये पाइपलाइन शुरू होने के पहले ही इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे नई पाइपलाइन से जल प्रदाय से लेकर सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं।
लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत सालहे के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम खैर गोंदी के जंगल में 14 जनवरी को सुबह 10 बजे लकड़ी लाने गए कौड़िया मुरझड़ निवासी 35 वर्षीय शिव प्रसाद सहारे पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गया। परमेश से चर्चा में घायल व्यक्ति शिव प्रसाद सहारे ने बताया कि वह ग्राम खैर गोंदी में ईंट बनाने का कार्य करता है, जो ग्राम के अन्य लोगों के साथ प्रातः लकड़ी लाने के लिए जंगल गए थे। उसके सभी साथी लकड़ी लेकर आगे चले गए थे, जिसके बाद जब वह लकड़ी लेकर नहर के पास पानी पीने के लिए रुका था, तभी अचानक वन्य प्राणी बाघ ने मुंह पर पंजा मार दिया, जिससे वह जान बचाने के लिए नहर के पानी में कूद गया और घबराहट में कुछ देर तक नहर के पानी में तैरते हुए आगे निकल गया, जिसके बाद आसपास कोई हलचल समझ न आने पर वह नहर से बाहर निकला, जिसके बाद आसपास के लोगों को घटना की जानकारी दी गई। हम 6-7 लोग गए लकड़ी के लिए, बाकी लकड़ी बांध के आ गए। मैंने बोला तुम चलो, मैं आता हूँ, थोड़ा सा नहर का पानी पी लूँगा। अब वो सर क्या हुआ, उधर से रायखा रायखा आया, तो मैंने कहा चलो कुत्ता होगा मेरा उठाना, और उसका ऐसा पंजा मार, तो पंजा फट गया यहाँ पे, दांत यहाँ फट गया दांत खोली में। अब मैंने फेंका मोरी को उस पार, में नहर में चिट्टा कूद गया। फिर कूदा तो मैं बहुत दूर निकला, फिर बहुत दूर के बाद देखा तो मेरे को वो भी दिखाई नहीं दिया। फिर लथड़ पत्थर नहर के ऊपर चढ़ा, और फिर एक लड़का था खैर गोंदी का, उनको बताया तो फिर उनने ऐसा किया, इसको खबर दी। इस घटना के बाद से खैर गोंदी सहित आसपास के क्षेत्र में हिंसक वन्य प्राणी बाघ व तेंदुए की दहशत फैल गई है और ग्रामीण जन अकेले जंगल की ओर जाने से परहेज कर रहे हैं। वहीं वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि जंगलों की ओर ना जाएं, क्योंकि वर्तमान में भालू, तेंदुआ और बाघ सहित अन्य वन्य प्राणियों को मूवमेंट वहां पर बना हुआ है। साथ ही एक बाघिन अपने शावकों के साथ जंगलों में विचरण करती दिखाई दी है, जिससे खतरा बना हुआ है। नहीं, मूवमेंट तो है, हम लोग जो भी मिलते हैं उनको ये गाइड करते हैं कि भाई यहाँ पे भालू का भी मूवमेंट है, मादा टाइगर बच्चे वाली उसका भी मूवमेंट है, तो कोई ना जाए करके। हम लोग जो भी मिलते हैं उनको यही सजेस्ट करते हैं लकड़ी वालों को कि भीड़ ना जाए, फिर भी भाई चले गए। जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर दिनी निवासी अनिता चौधरी, उम्र 30 वर्ष की, 13-14 जनवरी की रात को अचानक तबीयत खराब होने के बाद मौत हो गई। महिला के पति के अनुसार रात के समय अचानक तबियत खराब हुई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या हुआ वो देखो, हम खाना पीना खाए और हम फिर सो गए, तो उसके बाद में फिर सो तो गए, उसके बाद में मेरे को अजीब सी आवाज़ आई, एकदम ऐसी की आवाज़ आई। तो मैंने क्या हो गया, कहकर उठा, जैसा उठा वैसा मैं बाबूजी और माँ जी को जोर से चिल्लाने लगा। मैंने बोला उठो उठो भाई, तो सभी लोग उठ गए। तो फिर उसके बाद में गाड़ी बना और लाए यहाँ पर। यहाँ पे डॉक्टर ने क्या बताया, तो बोले लेट हो गई, लेट हो गई, बोले लेट कर दी, बोले जाने 20 किलोमीटर है। तो कब शादी हुई थी आपकी? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। कितने बच्चे आपके? 2। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। मृत महिला के भाई बताते हैं कि उनकी बहन और जीजा के बीच पहले भी विवाद की स्थिति बनती रहती थी। इस दौरान अचानक बहन की मौत से हर कोई स्तब्ध है। वे चाहते हैं कि इस मामले की उचित जांच हो। एकाएक वैसा डॉक्टर ने तो चेक किया नहीं, अब अटैक उन्होंने बोला नहीं, हमारे सामने तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम जब यहाँ आए बालाघाट में हॉस्पिटल में, तो मृत थे और न कोई डॉक्टर था न कोई था, वो तो फ्रीजर में डालने की तैयारी हो गई थी उन लोगों की। अच्छा, कितने बजे खबर लगी थी आपको? मेरे को रात में 2 बजे फोन आया। ये आपकी दीदी ससुराल में कैसी रहती थी? अच्छे रहते थे दोनों? अब इनका ऐसा एक दो इसके पहले झगड़ा तूफान तो हुआ था, मैंने समझाया भी था एक दो बात, मतलब होता है इसलिए समझा, एक दो बार समझा दिया हो तो अभी... इतने अच्छे से तो नहीं रहे इसके पहले। क्या लग रहा आपको? डाउट है क्या? अचानक होने की वजह से तो शंका हो रही। तो क्या चाहते हैं आप लोग, उचित सही जांच हो इसकी? हाँ, बराबर जांच तो सही होना। एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के आरोप में गिरफ्तार 3 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने यहाँ की विद्वान अदालत में पेश कर दिया। तीनों आरोपी जिनमें लाल प्रसाद लिल्हारे 23 वर्ष, धनीराम डहारे 30 वर्ष और अजय बघेले 26 वर्ष, तीनों ग्राम छोटी कुम्हारी को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है।
जिला अस्पताल में आरोपियों का स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ले जाया गया। उनके परिजनों की अच्छी खासी गहमा गहमी देखी गई। इस दौरान जिला अस्पताल में तीनों आरोपियों के परिजन उन्हें सांत्वना देते रहे कि उन्हें झूठे आरोप में फंसाया गया है। वारासिवनी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम तुमाड़ी और नेवर गांव के बीच मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने से मोटरसाइकिल सवार युवक घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल युवक जितेंद्र पिता नंदलाल चौधरी 21 वर्ष ग्राम तुमाड़ी निवासी को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 14 जनवरी को 9 बजे करीब जितेंद्र ग्राम नेवर गांव में ट्रक खड़ा करके मोटरसाइकिल से नेवर गांव से अपने ग्राम तुमाड़ी आ रहा था। तभी तुमाड़ी और नेवर गांव के बीच मोटरसाइकिल पेड़ से टकराने से जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में कथित रूप से जहरीली शराब से होने वाली मौत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को उक्त मामले में कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में जहरीली शराब कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को जिला कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के निर्देश पर वारासिवनी के वार्ड नंबर 4 बैगा मोहल्ले में बड़े दल बल के साथ पुलिस विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से छापामार कार्यवाही करते हुए मोहल्ले के सभी घरों की तलाशी ली, जिसमें बड़ी मात्रा में महुआ, लहान और कच्ची शराब जब्त की गई, जिस पर पुलिस विभाग के द्वारा संबंधित घर मालिक के खिलाफ पंचनामा कार्यवाही कर अपराध दर्ज किया जा रहा है। बता दें कि नगर का वार्ड नंबर 4 बैगा मोहल्ला नगर ही नहीं जिले में कच्ची शराब निकालने और बेचने के रूप में प्रसिद्ध है, जहां पर लंबे समय से उक्त कार्य किया जा रहा है। ऐसे में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, जिसका परिणाम है कि लोगों को सस्ते दामों में शराब मिल रही है। यह गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा है, जिसका असर 12 जनवरी को देखने मिला था कि आबकारी विभाग के द्वारा वृहद स्तर पर छापामार कार्यवाही कर कई क्विंटल महुआ लहन नष्ट किया गया था और कई लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब जब्त की गई थी और लोगों को चेतावनी दी गई थी कि यह काम बंद करें। और इस दौरान मिलने वाला महुआ लहान और कच्ची शराब अज्ञात थी, जिस कारण से इस पर किसी प्रकार का अपराध पंजीबद्ध नहीं किया गया। लेकिन उसके ठीक एक दिन बाद यानी 14 जनवरी को पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए उसी मोहल्ले में दूसरी कार्यवाही की, जिसमें भारी मात्रा में वापस महुआ लहान और कच्ची शराब प्राप्त हुई। वहीं इस दौरान कई मकानों में कच्ची शराब निकालते हुए पाई गई, जिसके हंडी, बर्तन और चूल्हे को तोड़कर जब्त किया गया और प्रत्येक घर से करीब 4 से लेकर 20 बोरी तक महुआ लहान जब्त किया गया है। इस कार्यवाही में करीब 20 क्विंटल से ज्यादा महुआ लहान और 50 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब जब्त की गई है। लेकिन कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि बैगा मोहल्ला है, वहाँ बड़े स्तर पर यह कार्य चल रहा है। जब पुष्टि की गई तो यह पता चला कि सही में यह कार्य चल रहा है, इसलिए आज यह कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि अवैध शराब पर रोक लगाई जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी घटना जो कि मुरैना में हुई, ऐसी कोई घटना यहाँ जिले में ना हो पाए। मतलब सर, ये मुरैना से जोड़कर देखा जा रहा है? हाँ, एक तरीके से इस बात को डायरेक्टली वही है कि पहले भी कार्रवाइयाँ होती रही हैं, लेकिन अभी खबरें ये आ रही थी व्यापक स्तर पर यहाँ पे कार्य चल रहा है, इसलिए जिले में काफ़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं और लगातार, यदि आप नोटिस करोगे, लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। ये जब लगातार कार्रवाई के उपरांत भी ऐसा सूचना है कि ये लोग नहीं सुधार यहाँ का हो रहा है, इसलिए आज यह कार्रवाई पुनः की जा रही है। ग्रामीण थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम रोशना में खेत में खाना खाने गए एक व्यक्ति को सिर में लाठी से मारकर घायल कर दिया गया। घायल व्यक्ति गिरधारी पिता पिक्खन मात्रे 35 वर्ष ग्राम रोशना निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 जनवरी को गांव के ही एक व्यक्ति के खेत में वह खाना खाने गया था। तभी दोपहर के 4 बजे भोला नकपुरे लकड़ी लेकर वहां पहुंचा और सिर में लकड़ी से वार कर दिया। घायल गिरधारी मात्रे को उसके पड़ोसियों ने जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।